हे गाइस, वेलकम बैक टू अंकिता सिंह कुकिंग। मैं हूं अंकिता और आज के वीडियो में मैं आप लोग के साथ बात करने वाली हूं बहुत ही कॉमन सी प्रॉब्लम के बारे में, जो है हमारे हेयर को लेकर। लड़के हों या लड़कियां, दोनों ही गिरते बालों की प्रॉब्लम को लेकर बहुत ही ज़्यादा परेशान रहते हैं, क्योंकि बालों का गिरना आजकल एक आम बात हो गई है। अगर आपके दूह में ये बाल हो रहे हैं, उनमें बहुत ज़्यादा डैंड्रफ रहता है, आपके बाल बहुत ज़्यादा सफ़ेद हो रहे हैं, समय से पहले अगर आपके बाल सफ़ेद हो रहे हैं, हेयर फॉल बहुत ज़्यादा होता है, उनकी ग्रोथ अच्छे से नहीं हो पाती है, वो बहुत ज़्यादा थिन हो गए हैं, वो बहुत ज़्यादा टूटते हैं, बालों से रिलेटेड अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। अगर आप लड़के हैं या आप लड़की हैं, दोनों के लिए ही ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। बालों के गिरने का एक रीज़न होता है और वो रीज़न कहीं ना कहीं हमारे मेंटल हेल्थ से जुड़ा हुआ है। यानी कि अगर आपको बहुत ज़्यादा तनाव रहता है, आप बहुत ज़्यादा टेंशन में रहते हैं, तो इसका इफ़ेक्ट आपकी बॉडी पर पड़ता है और कहीं ना कहीं आपके बालों पर भी पड़ता है। अगर आपका खाना पीना सही नहीं है, आपका पेट साफ नहीं रहता है, तो ये भी एक वजह हो सकती है आपके बालों के गिरने की। तो सबसे पहले जो आपको काम करना है वो ये है कि आपको अपने माइंड पर कम लोड लेना है, आपको टेंशन नहीं लेनी है। दूसरा, आपको आपके खाने पीने का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है, आपको आपके डाइजेशन का भी ध्यान रखना है, क्योंकि ये चीज़ें कहीं ना कहीं आपके हेल्थ पर इफ़ेक्ट करती हैं, राइट। अब मैं आपको बताने वाली हूँ एक हेयर ऑयल के बारे में। जो साउथ इंडियंस होते हैं, आप लोगों ने देखा होगा, स्पेशली जो केरल की औरतें होती हैं, उन लोग के बाल इतने ज़्यादा शाइनी, इतने ज़्यादा चमकदार रहते हैं। ऐसा क्यों होता है? इसका एक रीज़न है कि कहीं ना कहीं वो अपने फूड में करी लीव्स को शामिल करते हैं। मेरी एक फ्रेंड है जिनसे कि मैंने इस बारे में बात की, पूछा कि यार ऐसा वो लोग क्या करते हैं जिससे उनके बाल इतने ज़्यादा शाइनी हो जाते हैं, इतने ज़्यादा चमकदार हो जाते हैं, ऐसा वो लोग क्या करते हैं? तो मेरी एक फ्रेंड ने मुझे बताया कि वो लोग वहाँ पर एक हेयर ऑयल का यूज़ करते हैं और इसे वो लेडीज़ खुद ही अपने घर में बनाती हैं। ये हेयर ऑयल इतना ज़्यादा इफ़ेक्टिव होता है कि उनके हेयर की ग्रोथ बहुत ज़्यादा होने लगती है, उनके हेयर बहुत ज़्यादा लेंथ हो जाती है, उनके हेयर की वाइट हेयर उनके बिल्कुल नहीं रहते हैं। तो ये हेयर ऑयल इतना ज़्यादा इफ़ेक्टिव होता है कि वो उनके बाल ऑलरेडी नेचुरली इतने ज़्यादा लंबे हो जाते हैं कि वो अपने हेयर को कट करवाती हैं और उन्हें बेच भी देती हैं। आई मीन, वहाँ पर जो लेडीज़ हैं, उनमें से काफ़ी लेडीज़ ये बिज़नेस करती हैं कि वो अपने बालों की लेंथ को पहले बढ़ा लेती हैं, फिर उन्हें कट कर देती हैं और उन्हें बेच भी देती हैं। हम लोग के तो नॉर्मली बाल नहीं हो पाते और वो लोग उन्हें बेच भी देते हैं, राइट। इसके अलावा वो जो हेयर ऑयल वो बनाते हैं, वो इतना ज़्यादा इफ़ेक्टिव है कि उसे अलग अलग सिटीज़ में, अलग अलग कंट्रीज़ में भी ट्रांसपोर्ट करते हैं। जो बंदा एक बार ये हेयर ऑयल यूज़ कर लेता है, उसे इसका रिज़ल्ट मिलने लगता है और फिर उसके बाद उस हेयर ऑयल को वो फिर दोबारा परचेज़ करता है। यानी कि इसकी जो एक बॉटल है, वही काफ़ी अच्छी कीमत पर बिक जाती है। इस हेयर ऑयल को हम घर में कैसे बना सकते हैं, ये मैं आपको इस वीडियो में आज सिखाऊंगी। इससे पहले मैं आपको एक बात और बताना चाहती हूँ। आप लोगों ने देखा होगा कि बालों को लेकर हम लोगों के बहुत सारे कन्फ्यूज़न रहते हैं माइंड में, बहुत सारे मिथ होते हैं, जैसे कि अगर हम कंघी ज़्यादा करेंगे तो कहीं हमारे बाल टूट तो नहीं जाएंगे, हम लोग किस तरीके का पिलो का यूज़ करें, एक वीक में हम बालों को कितनी बार धोएं, ये बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे हैं जो हम लोगों के माइंड में कहीं ना कहीं घूमते रहते हैं और हम सोचते हैं कि इसका आंसर क्या है। तो अगर आपके माइंड में भी इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन है, तो इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में आप उस क्वेश्चन को पुट कीजिए, मैं मेरी नेक्स्ट वीडियो में आपको आपके क्वेश्चंस का आंसर दूंगी। अभी मैं आपको बताती हूँ कि इस हेयर ऑयल को हमें कैसे बनाना है। इस हेयर ऑयल में मैंने यूज़ किया है अनियन, यानी कि प्याज का। प्याज में पाया जाता है सल्फर, जो कि आपके गंजेपन को दूर करता है, आपके हेयर की ग्रोथ को बढ़ाता है। अब आप सोचेंगे कि प्याज से जो भी हम हेयर ऑयल बनाते हैं, उसमें तो प्याज की स्मेल आती है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इस हेयर ऑयल को आप एक बार बनाइए, आप इसे एक बार बनाने के बाद 4 महीने तक यूज़ कर सकते हैं। जब आपका हेयर ऑयल ख़त्म हो जाए, आप दोबारा से इस हेयर ऑयल को बना लीजिएगा। इसमें से प्याज की स्मेल तो बिल्कुल नहीं आती है, लेकिन हाँ, एक बहुत ही अच्छी फ्रेग्रेंस आती है। लाइक, ऐसा लगता है कि हम सांभर या कुछ ऐसी फ्रेग्रेंस आती है। इसमें मैंने यूज़ किया है मेथी दाना। मेथी दाना हमारे हेयर की लेंथ के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। आपने कहीं ना कहीं सुना होगा कि मेथी हमारे बालों के लिए बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होता है। इसमें मैंने करी लीव्स का भी इस्तेमाल किया है। करी लीव्स भी हमारे बालों के लिए बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होते हैं। इसमें मैंने कलौंजी का भी यूज़ किया है। कलौंजी में पाया जाता है लिनोइक एसिड, और ये लिनोइक एसिड हमारे ब्लड के सर्कुलेशन को बढ़ाता है। और हाँ, अगर आपको लगता है कि ये वीडियो आपके काम का है, पहले आप इस वीडियो को देखिए, देखने के बाद आपको लगता है कि वाकई इस वीडियो में मैंने जो आपको इन्फॉर्मेशन दी है वो आपके काम की है, तो इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा।
ये है वो हेयर ऑयल जिसे कि मैंने बनाया था। आपको लग रहा होगा कि ये इतना खाली क्यों है, तो इसे मैं 4 से 5 बार कम से कम यूज़ कर चुकी हूँ। इसके अलावा मेरी कज़न आई थी तो मैंने उसको भी इसमें से कुछ हेयर ऑयल दिया। अगर वो इस समय ये वीडियो देख रही है तो वो भी आपको कमेंट सेक्शन में अपना रिव्यू बता देगी कि उसे ये हेयर ऑयल लगाने के बाद कैसा फील हुआ। तो ये जो हेयर ऑयल है, इसे जब मैंने लगाया और उसके बाद मैंने जब हेड बाथ लिया, तो पहली बार मेरे बाल थोड़े टूटे लेकिन कम टूटे, दूसरी और तीसरी बार में मेरे बाल उससे भी कम टूटे थे, लेकिन फोर्थ टाइम मेरे बाल बिल्कुल भी नहीं टूटे थे। और मेरे बालों का जो टेक्स्चर था वो मुझे काफ़ी ज़्यादा चेंज लगा। हर 3 दिन में मुझे मेरे बालों को धोने की ज़रूरत पड़ती थी। कुछ ऐसा फील होता था मेरे बाल बहुत ज़्यादा ऑयली हो गए हैं, लेकिन अब 5 दिन के बाद भी मुझे मेरे बालों में वो ऑयल फील नहीं होता है। लगता है कि मेरे बाल बहुत ज़्यादा हेल्दी हैं, मतलब मुझे अभी बाल धोने ही नहीं हैं। तो ये चेंज मैंने फील किया, उसके बाद ये वीडियो मैं आप लोग के लिए बना रही हूँ। तो आप भी इस हेयर ऑयल को बनाइएगा। इसमें से प्याज की स्मेल तो बिल्कुल ही नहीं आती है, बहुत ही अच्छी इसके अंदर से स्मेल आती है, बहुत ही अच्छी मैं कह सकती हूँ फ्रेग्रेंस आती है। आप इस हेयर ऑयल को बनाइए, ये आपके हेयर के लिए बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। आपको ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा पसंद आने वाला है, ये हेयर ऑयल आपको बहुत ज़्यादा पसंद आने वाला है। तो यहाँ पर इस हेयर ऑयल को बनाने के लिए मैंने सबसे पहले इस्तेमाल किया था मेथी दाने का। मैंने लगभग आधी छोटी कटोरी के करीब मेथी दाने का इस्तेमाल किया था और इसे पानी में डालकर रात भर के लिए छोड़ दिया था। अगर आप चाहें तो मेथी दाने को कटोरी में डालकर उसमें पानी ऐड कीजिए और सिर्फ 5 से 6 घंटे में भी आपका जो मेथी दाना है वो फूल जाएगा, अच्छे से सॉफ्ट हो जाएगा। ज़रूरी नहीं है कि आप रात भर यहाँ पर वेट करें। यहाँ पर मेरे जो मेथी दाना है उसमें थोड़ी सी स्प्राउटिंग भी हो गई है, क्योंकि मैंने इसे भिगोने के बाद कॉटन के जो सूती कपड़ा होता है उसमें भी बांध कर रखा था। तो मेथी दाना जो होता है उसमें पोटेशियम, कैल्शियम और आयरन पाया जाता है, जिससे कि आपके बालों को इनफ क्वांटिटी में प्रोटीन मिलता है और इससे आपका हेयर फॉल स्टॉप होता है। अब इस मेथी दाने को मैं एक मिक्सी के जार में ऐड कर दूंगी। पॉल्यूशन की वजह से हम लोग के बाल बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाते हैं। कुछ लेडीज़ जो होती हैं वो महंगे महंगे हेयर ट्रीटमेंट लेती हैं और उनसे भी उनके हेयर फॉल में बिल्कुल भी आराम नहीं मिलता है। अब यहाँ पर मैं यूज़ करने वाली हूँ अनियन, यानी आपको 2 से 3 मीडियम साइज़ के जो अनियन हैं उन्हें छीलना है और उन्हें इस तरीके से कट कर मिक्सी के जार में डालना है। अगर आपके बालों में गंजेपन की प्रॉब्लम होती है तो अनियन आपके उस बालों के गंजेपन को दूर कर देगा। एंटी बैक्टीरियल गुड़ भी अनियन के अंदर पाए जाते हैं, एंटीऑक्सीडेंट होता है, तो इससे आपके काले जो बाल होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा मोटे हो जाते हैं, सफ़ेद बाल बिल्कुल भी नहीं रहते हैं और बालों को गंजापन दूर होता है। अब इसमें मैं ऐड करूँगी गार्लिक यानी कि लहसुन का। इससे पहली वाली वीडियो में मैंने आपको गार्लिक को पील करने के जो ट्रिक है उसे बताया था। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी है तो ऊपर आपको एक आई बटन दिखाई दे रहा होगा, उस आई बटन पर क्लिक कीजिए, आपको वो लहसुन छीलने का तरीके वाली वीडियो मिल जाएगी। लहसुन खाने के साथ साथ दवाइयों में भी इस्तेमाल होता है। बालों को धूप से जो नुकसान हो जाता है उसकी भरपाई करने के लिए लहसुन को हमने इसके अंदर ऐड किया है। अब हम इसमें डालने वाले करी पत्ता। करी पत्ते के अंदर फॉस्फोरस, कैल्शियम, आयरन और विटामिन सी पाया जाता है। इसके अलावा करी पत्ते में पाया जाता है निकोटिनिक एसिड, जो कि हमारे बालों को अंदरूनी तरीके से मोटा बना देता है। अब जब बाल नेचुरल तरीके से मोटे हो जाते हैं तो उनके टूटने का तो सवाल ही नहीं उठता है। अब इनको हमें ग्राइंड करना है यानी कि पीस लेना है, लेकिन इनको अच्छे से ये पीस जाए इसमें मैं ऐड करूँगी थोड़ा सा कोकोनट ऑयल। कोकोनट ऑयल ऐड करने से क्या होगा कि जब इनको हम मिक्सर बनाएंगे, इनको पीसेंगे तो ये अच्छे से पीस जाएंगे। तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा जो कोकोनट ऑयल है उसको इसमें ऐड कर दूँगी। यहाँ पर मेथी दाने को भिगो कर रखने का रीज़न यही था कि मेथी दाने को जब हम मिक्सी में पीसें तो वो ईजिली पिस जाए। अगर मेथी दाना पानी में भिगोने के 1 से 2 घंटे के बाद या 4 से 5 घंटे के बाद भी सॉफ्ट हो जाता है, जब भी मेथी दाना आपका सॉफ्ट हो जाए आप उसे यूज़ कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप उसे रात भर भिगो के रखें या इसमें स्प्राउटिंग ही करें, नॉर्मल बस वो मेथी दाना सॉफ्ट होना चाहिए ताकि वो पिस जाए। इन सारी चीज़ों की क्वांटिटी आप देख ही चुके हैं, लगभग 2 मुट्ठी के करीब मैंने यहाँ पर करी पत्ते का इस्तेमाल किया है, 1 मुट्ठी के करीब मैंने यहाँ पर लहसुन के जो छिले हुए कलियाँ थी उनका इस्तेमाल किया है, 3 मीडियम साइज के मैंने प्याज यहाँ पर लिए हैं, आधी छोटी कटोरी मैंने मेथी दाने का इस्तेमाल किया है और इस तरीके से पीस कर उनका एक पेस्ट बना लिया है। अब हमें क्या करना है, कढ़ाई लेनी है, उसे गैस पर रखना है और गैस की फ्लेम को तेज कर देना है। स्टार्टिंग में आपको गैस की फ्लेम को तेज रखना है जिससे कि कढ़ाई गर्म हो जाए। जैसे ही कढ़ाई गर्म हो जाएगी आपको तुरंत गैस की फ्लेम को थोड़ा सा लो कर देंगे, एकदम लो फ्लेम आपको कर देनी है, कहीं ऐसा ना हो कि सारा का सारा ऑयल भाप बनकर उड़ जाए। अब यहाँ पर मैंने कढ़ाई में यूज़ किया है सरसों का तेल यानी कि मस्टर्ड ऑयल।
अगर आप चाहें तो आप कोकोनट ऑयल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि आप मस्टर्ड ऑयल इस्तेमाल करें। मैं चाहती थी कि मैं मेरे बालों में कोकोनट ऑयल के साथ साथ जो सरसों का तेल है उसका भी इस्तेमाल करूं, दोनों के बेनिफिट्स लूं। तो मैंने कढ़ाई में सरसों के तेल का इस्तेमाल किया है, इसमें कलौंजी डाल दी है, कलौंजी डालने के बाद जो मैंने पेस्ट बनाया था उसे भी इसमें ऐड कर दिया और इसे मैं अच्छे से मिक्स कर दूंगी। अगर आप चाहें तो कोई भी हेयर ऑयल जो आपके बालों पर आपको लगता है कि ये मेरे बालों पर 100% रिजल्ट देता है, अच्छे से सूट करता है, आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर दोनों तरीके के जो हेयर ऑयल हैं, कोकोनट ऑयल और प्लस मस्टर्ड ऑयल, दोनों का इस्तेमाल किया है। बाद में मुझे लगा था कि जो मैंने पेस्ट बनाया है उसके अकॉर्डिंग ऑयल बहुत कम है, तो मैंने ऊपर से जो कोकोनट ऑयल था उसे ऐड कर दिया था, थोड़ा सा मस्टर्ड ऑयल और बढ़ा दिया है। तो अब इसको मैं अच्छे से हल्के हाथों से चलाती हूँ। चलाने के बाद आप देखेंगे कि इसमें झाग बन रहे हैं। ये झाग बनने का रीज़न क्या है? झाग इसलिए बनते हैं क्योंकि जो करी लीव्स हैं और जो अनियन है, इन दोनों में रहता है पानी। ये पानी जब ऑयल के साथ मिक्स होता है तो इससे इसमें झाग बनने लगते हैं, बुलबुले बनने लगते हैं। ये झाग तब तक बनेंगे जब तक कि अनियन और करी लीव्स का पानी जो है वो ख़त्म नहीं हो जाएगा। लगभग आपको 30 मिनट तक यानी कि आधे घंटे तक इसे एकदम लो फ्लेम पर पकाना है। आधे घंटे बाद ये थोड़ा सा ब्लैक हो जाएगा, सारे के सारे झाग भी बैठ जाएंगे। ये काला इस वजह से हुआ है क्योंकि इसके अंदर पड़ी थी कलौंजी, कलौंजी की वजह से इसका कलर काला हो जाता है। ऐसा नहीं है कि ये जल गया है, जला बिल्कुल नहीं है क्योंकि गैस की फ्लेम बिल्कुल लो थी, कलौंजी की वजह से ये सारा एकदम काला हो जाता है। अब आप इसको ऐसे ही छोड़ देंगे, लगभग एक रात के लिए मैंने इसको सारे इन्ग्रीडियंट को इस तेल में ऐसे ही छोड़ दिया था। रात भर इसके अंदर जो है इन सारी चीज़ों की गुडनेस तेल के अंदर आ जाती है। और अगले दिन मॉर्निंग मैंने एक बर्तन के ऊपर इस तरीके से कॉटन का कपड़ा लगा लिया, उसके बाद हेयर ऑयल को इसके ऊपर डाला है। अब हम इसे अच्छे से छानेंगे, छलनी की हेल्प से आप इसे मत छानिएगा, इस तरीके से कॉटन के कपड़े की हेल्प से ही आप इसे छानिएगा। तो अब आपको सारा का सारा जो ऑयल है वो इस कपड़े में से और जो इस पेस्ट है इसमें से निकाल लेना है। आप लोग इस काम में आपकी मदर जो है उनकी हेल्प ले सकते हैं, यहाँ पर मेरी मदर भी मेरी हेल्प कर रही थी। तो आप इस तरीके से दबाकर सारे के सारे ऑयल को अच्छे से निकाल लेंगे, देखेंगे कि आप जो ऑयल है वो एकदम अलग तरीके का हो जाएगा। इसमें से जो इस फ्रेग्रेंस आएगी एकदम अलग तरीके की, साबर जैसी कुछ फ्रेग्रेंस आएगी, आपको उस दिन पूरे दिन महक आने वाली है। जब भी आप इस हेयर ऑयल का इस्तेमाल करेंगे लगाने के लिए आपको वो महक फील होगी, बिल्कुल भी प्याज की गंदी वाली जो स्मेल होती है वो नहीं आती है। अब इस हेयर ऑयल में मैं ऐड करूंगी कैस्टर ऑयल और विटामिन ई कैप्सूल। ये कैस्टर ऑयल की जो शीशी है बहुत सस्ती होती है, 20 से 30 रुपये में आपको मिल जाती है। और ये जो विटामिन ई के कैप्सूल हैं ये भी आपको केमिस्ट की शॉप पर इजीली मिल जाएंगे। आप उनसे बोल दीजिए कि भैया जो हरे वाले विटामिन ई के कैप्सूल होते हैं वो दे दीजिए। तो यहाँ पर लगभग मैं 2 चम्मच कैस्टर ऑयल इसके अंदर ऐड कर दूंगी। ये बालों के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है और इसमें मैं 5 से 6 विटामिन ई के कैप्सूल भी ऐड कर दूंगी। बात जो मैं आपको फिर से बताना चाहूँगी वो ये है कि जो हमने पेस्ट बनाया था और उस पेस्ट को हमने हेयर ऑयल के अंदर ऐड किया था और उसको हमने आधे घंटे तक पकाया था। पकने के बाद आपको उस हेयर ऑयल को कढ़ाई में ही लगभग एक रात के लिए छोड़ देना है। लगभग 12 घंटे के लिए आपको उस हेयर ऑयल को कढ़ाई में ही छोड़ देना है। इससे क्या होगा, जो पेस्ट के अंदर सारी चीज़ें थी उनकी गुडनेस और हेयर ऑयल में आ जाएगी। लगभग 12 घंटे में इन सारी चीज़ों की गुडनेस और हेयर ऑयल के अंदर आ जाएगी। इस चीज़ में आपको बिल्कुल भी जल्दबाजी नहीं करनी है। नेक्स्ट मॉर्निंग ही आपको हेयर ऑयल को छानना है और छानने के बाद उसे अपने हेयर पर अप्लाई करना है। आप एक बार इस हेयर ऑयल को बना लीजिए, लगभग 4 महीने तक आप इस हेयर ऑयल का यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद ख़त्म हो जाए तो फिर दोबारा से बना लीजिए। आपको इसे अपने स्कैल्प में रोटेट करते हुए, मसाज करते हुए लगाना है। इससे क्या होगा, आपके स्कैल्प में ब्लड सर्कुलेशन बढ़ेगा। और आपको त्रिफला भी खाना है। त्रिफला खाने से क्या होता है कि हमारा पेट साफ रहता है, बालों की समस्या भी दूर होती है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट में बताइए कि आपको वीडियो कैसी लगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।